इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 और इसके अंदर हम सीखने वाले मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते हैं तो उसका बेसिक सा फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसमें जो टर्म आ रहे हैं वो कौन से टर्म होते हैं वो एक क्वेश्चन के साथ में सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी। टोटल 68 कंज्यूमर के बारे में दे रखा है, उससे ये बात पता पड़े कि टोटल नंबर इसका आ रहा है 68। और इसी चीज को हम एन बोलेंगे। किस चीज को? जो सम ऑफ एफ है उसको हम एन बोलेंगे। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी वो एन हो जाएगा। इसके बाद बोला फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मीन और मोड पिछली दो एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं, इसलिए वो तुमको करना है। हम इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का केवल मीडियन निकालने वाले, तो गौर करना कौन सी चीज क्या होती है। और ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में भी आ जाएगा। एल लोअर लिमिट, तो इसके लिए क्लास लेनी पड़ेगी। वो क्लास कैसे आएगी? वो क्लास आएगी एन बाई टू से। यहाँ पे सी एफ भी एक वर्ड है और ए एफ भी वर्ड है, तो सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। किस चीज को सी एफ बोला जाता है? सी एफ का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो किस चीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा? तो सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पे है 4, ये 65 से 85 तक है। अगर हम बात करें टोटल मिला के 105 तक कितने हुए, तो उसके अंदर 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, मतलब टोटल 9 आ गया। ऐसे टोटल शुरू से लेके 125 तक कितने हुए, तो ये दोनों आ गए और 13 आ गया। ये दोनों मतलब 9 और 13 22। ऐसे 145 तक कितने? तीनों प्लस 20, तीनों थे 22 प्लस 20 42। ऐसे ही नेक्स्ट ये सब आ जाएंगे, तो 56। ऐसे इसको भी प्लस कर दे तो 64। ऐसे इसको भी प्लस कर दे 68। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू आ रही है, लास्ट टर्म से पता पड़ जाएगा कि इनका सम कितना है। अब देखते हैं इन टर्म को, l क्या कहलाता है। l से पहले n बाई टू पे चलते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू था 68, तो इसे लिख लेते n इक्वल टू 68, स्मॉल लिखा था इसे भी स्मॉल कर देते, तो n बाई टू हो जाएगा 34। अब इस n बाई टू से मतलब है एक तो वैल्यू के लिए, दूसरा इससे जस्ट ज्यादा वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है हमको, 34 या 34 से ज्यादा वाली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 से बड़ा होता है 34 और 42 से छोटा होता है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो हमारे काम की। 34 आ रहा था तो उससे जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी वो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो वो 42 मिली हमें। ठीक है, अब इसकी सबसे लोअर लिमिट इस क्लास की वो हो जाएगी एल, यहाँ पे 125 है। इसके बाद एन बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी हमें, मिल चुकी है यहाँ पे। सी एफ से पहले एफ देखे, एफ होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि है 20, और सी एफ इससे पहले तक की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, तो सी एफ हो जाएगा 22। ध्यान रखना इसे जस्ट पहले तक की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये होती है सी एफ की वैल्यू। तो मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल 125, एन बाई टू 34 है, माइनस सी एफ 22 है, डिवाइड बाई एफ मतलब 20 इंटू, अच्छा एच एक और टर्म है और एच मतलब क्लास साइज, क्लास साइज दोनों को माइनस करते हैं तो 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20, तो ये भी हो जाएगा 20। 20 से 20 आराम से माइनस हो जाएगा, क्या बचा 125 प्लस 34 में से 22 अगर माइनस कर दें तो आंसर आ रहा है 12, प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 137, जो कि गिवन क्वेश्चन का मीडियन हो जाएगा या गिवन डाटा का मीडियन हो जाएगा। ओके, अब करें क्वेश्चन नंबर टू को। अब क्वेश्चन नंबर टू में दिया है इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5। हमें मीडियन दिया है इस बार, मतलब मीडियन की वैल्यू है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू बतानी है। और टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी है 60 जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो जैसा हमने अभी देखा था, सबसे पहले हमें सी एफ की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5, नेक्स्ट प्लस होगा तो 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट प्लस होगा तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, ऐसे 25 और 15
40 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो टोटल मिलाकर 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया हमारे पास, और टोटल फ्रीक्वेंसी दी है हमें 60। सो हम लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 करोगे तो आंसर आएगा 15। ये x प्लस वाई की वैल्यू है। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला l प्लस n बाई टू टी माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच जो कि है 28.5। वैल्यू पुट कर देते, सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाले। l से पहले हमें जरूरत पड़ेगी n बाई टू की, n बाई टू 60 n है तो n बाई टू हो जाएगा 30। अब 30 से जस्ट बड़ा देखना है तो 25 प्लस x, ये 30 से बड़ा हो सकता है, श्योरिटी से तो नहीं कह सकते हम, बट एक और अंदाजा इस बात से लगा रहे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस कारण से, इसलिए हम n बाई टू से बड़ा इसको मान रहे, तो ये क्लास हमारे लिए काम की हो जाएगी। l की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस n बाई टू मतलब 60 का आधा 30 माइनस सी एफ जस्ट इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, वो भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब 5 प्लस एक्स, और माइनस है इसलिए वो 5 माइनस 5 और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 5 और माइनस का एक्स डिवाइड बाय एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 20 इंटू एच, या एफ देखोगे तो 10 का आधा कट जाएगा और इसके इक्वल में था 28.5। 20 को इधर माइनस में भेज देते और इसको सोल्व कर लेते तो 30 माइनस 5 हो जाएगा 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 इधर माइनस में जाएगा तो 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस करें तो 28 में से अगर 28.5 में से 20 माइनस करते हैं तो 8.5 बच जाएगा, और यहाँ 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे रह जाएगा 25 माइनस एक्स, 8.5 इंटू 2 अगर इसे सोल्व करें तो आंसर आएगा 17, और 25 यहाँ प्लस का इधर माइनस में भेज देते हैं यहाँ बच जाएगा माइनस का एक्स, माइनस के एक्स की वैल्यू माइनस में आ रही है, 17 में से 25 माइनस करते हैं अगर तो वो हो जाएगी ए माइनस का 8, और माइनस से माइनस हटा दे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8। अगर एक्स इक्वल टू 8 हो गया, अब इधर एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई, तो इसे आगे सॉल्व करें वाई इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, प्लस से माइनस में चला गया और 15 में से 8 माइनस करें तो 7 आंसर आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को जो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज, तो इसमें भी मीडियन निकालना है। तो पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर, 18 साल से बड़े हैं पर 60 साल से छोटे हैं उनके लिए ये डाटा दिया गया। तो सबसे खास बात देखें इसके अंदर, तो हमें इस बार क्लास इंटरवल दिया ही नहीं है, इस बार डायरेक्ट चेंज कर रखा उसे, जिसे हम पहले कह रहे थे कि हमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जैसे कि यहाँ पे था 126 तक तो इतना पता रखा था इस रेंज में कितना आ रहा है, फिर इस वाली रेंज में कितना आ रहा है ये पता रखा था, और हम क्या कर रहे थे टोटल शुरुआत से लेके इस रेंज तक देख रहे थे तो 5 और 3 दोनों 8 हो जाते थे और 8 आ जाता था, फिर शुरुआत से लेके यहाँ तक देखते थे तो 3 दोनों में ये भी 8 हो जाता था और इसका सम हम यहाँ सी एफ में लिखते थे। अब यही बात इन्होंने पहले से कर रखी है, कैसे बिलो 20 तो 20 से छोटे कितने लोगों ने पॉलिसी ले रखी है वो 2 है, पर 25 से बिलो कहा है इसका मतलब जो 18, 19 और 20 वो वाले एज के वो भी इसमें जुड़ चुके हैं, मतलब ये 2 इसके अंदर पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए देखो ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिंपल सी बात है इसे सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सी एफ की हमें जरूरत पड़ती है और ये सी एफ हमें एच में पहले से मिल चुका है, पर हमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे, इस कारण से हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी पता करना है, तो सबसे पहले तो इसे चेंज कर लेते हैं, इसे चेंज करें अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में तो ये तो बिलो 20 ले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 20 के बाद से तो ये हो जाएगा 22, 25, ये वाला हो जाएगा 25 से 30, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसी के साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें
तो बिलो 20 टू थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बिलो 20 वाले हटा दिए, केवल 20 से 25 वाले ले, तो ये 2 भी इसमें से हट जाएंगे, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 से 30 पे हमने 25 से पहले वाले सारे हटा दिए, मतलब ये 6 जो कि बिलो 20 से लेकर 25 तक के थे, ये इसको हटाना है, तो 24 में से 6 माइनस कर दे, यहां पर बच जाएगा 18। ऐसे अगर माइनस करते थे तो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, मतलब 45 में से 24 माइनस करना है, 21 बच रहा है। ऐसे ही 78 में से 45 माइनस करें, 33, 89 में से 78, 11, 92 में से 89, 3, 98 में से 92, 6 और 100 में से 92। अब इसको एक बार सम करके देख लो, टोटल 100 आ रहा चाहिए, आ रहा होगा तो हम सही है, बस यहाँ पे यहीं तक की मेहनत है। इसके बाद तो सिंपल सा फार्मूला है, तो मीडियन इक्वल टू सबसे पहले हमें चाहिए एल, अब एल और ये सब हमें एन बाई टू की हेल्प से मिलेगा। एन आ रहा है 100, तो एन बाई टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई टू, मतलब 50। अब 50 से जस्ट पहले वाला देखा तो 78, मतलब ये क्लास हमारे काम की है, तो एल हो जाएगा 35 प्लस एन बाई टू जो कि 50 माइनस सी एफ, जैसे इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो भी सी एफ में, मतलब 45। ध्यान रखना इसका फ्रीक्वेंसी इधर है जो हमने निकाली है, सी एफ पहले से दे रखा था, और फ्रीक्वेंसी होती है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 33, और देखो हाईएस्ट भी है ये, मोस्ट ऑफ केसेस में सही होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही लेंगे हम। इनटू एच, इस बार एज हम निकाल पाएंगे, 5 की आ रही है। अब इसे सॉल्व कर लेते, 35 प्लस 50 माइनस 45 करेंगे तो 5 आएगा, इनटू में 5 है अपॉन में 33, 35 प्लस 5 जा 25 डिवाइड बाय 33, तो 0.75 के लगभग आंसर आ रहा है इसका, प्लस कर लेते तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 35.75। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन दिया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। ये डाटा है, मीडियन निकालना है। जो एक छोटी सी दिक्कत है वो ये है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो 126 के बाद ब्रेक हुआ 127 आया, ऐसे 135 के बाद ब्रेक हुआ 136 आया, तो इसे कंटिन्यूअस बनाना है, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए एक बार हम पहले भी कर चुके, 0.5 लोअर लिमिट में कम कर दो और अपर लिमिट में बढ़ा दो, तो 118 हो जाएगा 117.5, यह हो जाएगा 126.5, ऐसे चले तो ये देखो माइनस हो रहा है तो कंटिन्यूअस भी हो रहा है, यह हो जाएगा 135.5, ऐसा पूरा लिख लेते हैं। अब इस चीज से दो फायदे हुए, कंटिन्यूअस तो हुआ, हमारी एज भी निकल जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होने पे निकाल सकते थे हम। अभी हमें सी एफ की जरूरत है तो सी एफ निकाल लेते, 3 और 5 8 और 9 17 और 12 29 और 5 34 और 4 38 प्लस 2 40। इसे हमें पता पड़ा एन की वैल्यू आ गई 40। मीडियन निकालना है, सबसे पहले हमें एन बाई टू चाहिए, मतलब 20, 40 बाई टू 20, 20 से जस्ट बड़ा देखें तो 29 आ रहा है जस्ट बड़ा, उसकी आगे की फ्रीक्वेंसी 12 है और लोअर लिमिट है 144.5 प्लस एन बाई टू मतलब 20 माइनस सी एफ, तो जो हमने लिया है 20 इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, यह कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 17 डिवाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 12 इंटू एच, अब इन दोनों को माइनस कर लो एच निकल जाएगा तो एच हो जाएगी 9। सॉल्व कर लेते 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 इंटू 9, अच्छा ये तो कट जाएगा तो 3 3 9 3 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 4, 144.5 प्लस 3 3 9 अपॉन 4, 4 से डिवाइड दे लेते 4 1 4 4 2 8 1 बचेगा 4 2 8 2 बचेगा 5, तो टोटल प्लस कर लेते ये हो जाएगा 146.75, ये हो जाएगा मीडियन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यूरल नेम्स,
यहाँ पे 400 न्यून लैंप की लाइफ टाइम दी है, मतलब वो कितनी देर तक चलता है टोटल। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप, और हमें मीडियन लाइफ टाइम निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला हमने अच्छे से देखा था, हमको जरूरत थी सबसे पहले सी एफ की, तो सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जितनी भी है सारी एड करते जाते हैं। तो ऐसे 14 और 56 एड कर दे तो आंसर हो जाएगा 70, फिर 70 में 60 एड कर दे तो 130, 86 एड कर दे 216, 74 एड कर दे 290, 62 एड कर दे 352 और 48 एड कर दे तो 400। ऐसा बोला था कि 400 न्यू लेंथ के बारे में पता रखा, तो हमको पता पड़ गया यहाँ पे n इक्वल टू हो गया 400। अगर मीडियन का फॉर्मूला लिखे तो मीडियन इक्वल टू l, अब l क्या होता है तो हमको जरूरत पड़ेगी n बाई टू की, मतलब 400 बाई टू जो कि हो जाएगा 200। अब 200 से जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे हम CF के अंदर, तो 200 से जस्ट बड़ा है 216, तो 216 ये वाली पूरी क्लास हमारे काम की हो गई, मतलब क्लास तो यही है इसके अंदर, ये काम का हो गया। एल इसकी लोअर लिमिट को बोलेंगे मतलब 3000 प्लस एन बाय टू मतलब 400 बाय टू माइनस सी एफ जो हमने क्लास बोली है उसे जस्ट पहले वाला CF मतलब 130 डिवाइड बाय एफ मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी 86 इंटू एच जो क्लास साइज है जो कि 500 की, माइनस कर लेते हैं बच्चा होगा वैसे के वैसे लिख लेते हैं अभी, तो माइनस करेंगे तो 70 डिवाइड बाय 86 इंटू 500, अगर 2 से काटे तो 43 और यहां पे अगर 2 से काटे तो 35 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 जाए 25, 5 थ्री जाए 15 और 2 17 डबल 0 डिवाइड बाय 43 डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 406.97 अप्रोक्स। अब इसके बाद इसे प्लस कर लेते हैं तो 3406.97 इसकी मीडियन लाइफ हो जाएगी। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन एज फॉलो। नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, हमें मीडियन निकालना है, इसके अलावा बोला है मीन भी निकालना है और मॉडल साइज भी निकालना है, मतलब मीन और मोड ये भी निकालना है, पर उनको तुम करके देखना। अभी मीडियन वाला सीख रहे हम इसलिए हम मीडियन निकाल रहे। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सी एफ की, तो 630 और 636 प्लस 40 76 प्लस 16 92 प्लस 4 96 और 400 और ऐसे ही बोला था इसमें टोटल 100 सरनेम्स है, इसका मतलब हमारा सी एफ पी सही आ रहा है। फार्मूला लगाए तो मीडियन इक्वल टू एल, एल किस लिए सबसे पहले एन बाई टू की जरूरत पड़ेगी जो कि फार्मूला में आएगा भी सही, एन बाई टू मतलब 100 बाई टू मतलब 50 और 50 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ देखे तो वो आ रहा है 76, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 7 एल माइनस सी एफ जो हमने चूज किया है उसे जस्ट पहले वाला सी एफ 36 और एफ फ्रीक्वेंसी जो हमने चूज किया 76 से चूज किया था हमने, या हमने एन बाई टू से जस्ट बढ़ा लिया था तो वो था 76 इंटू एच, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे तो 3 का आ रहा है। सोल्व कर लेते 50 में 36 माइनस करेंगे तो 14 अपॉन 40 इंटू 3, 2 से डिवाइड करें तो 720 टोटल मिला के 7321 अपॉन 20 सिंपल है, 2 से डिवाइड कर लेते पहले तो ये हो जाएगा 10.5 और एक जीरो और है इसके साथ में, इसका मतलब ये 1.05 हो जाएगा और प्लस करने पर आ जाएगा 8.05 जो कि मीडियन हो जाएगा इस डाटा का। ओके अब लास्ट क्वेश्चन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। 30 बच्चों का वजन बताया डाटा के थ्रू और हमें मीडियन वेट बताना है, तो हमारे पास ये है डाटा। मीडियन के लिए जरूरत पड़ेगी सी एफ की, तो सी एफ निकाल लेते 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19
प्लस 625 प्लस 328 प्लस 230। और ऐसे बोला था 30 स्टूडेंट का दिया है, समझ लो हमारा सीएफ तो सही आ रहा है। अभी इसमें हमें जरूरत पड़ेगी एन बाई टू की, तो क्योंकि एल निकालना है तो एल प्लस एन बाई टू, एन बाई टू आता 30 का आता था 15, और हम चूज करते हैं जस्ट एन बाई टू से जस्ट बड़ा वाला नंबर सीएफ के अंदर, तो इससे 15 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ये आ रहा है 19, तो ये वाली पूरी लाइन हमारे लिए काम की हो जाएगी। अभी एल हो जाएगा 55 लोअर लिमिट, और सीएफ हो जाएगा जो इससे ऊपर वाला सीएफ 13 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी 6 इंटू एज जो क्लास साइज है जो कि है 5, तो 55 प्लस 15 माइनस 13 2 अपॉन 6 इंटू 5, 2 से 6 काटे तो 3 आ जाएगा, 5 में 3 का डिवाइड करना है तो 3 1 3.36 18, फिर वापस से 3 6 18 चलता रहेगा, राउंड ऑफ करके 7 लिख देते 6 को, बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा, इसलिए प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 56.67 और ये हो जाएगा मीडियन वेट। ओके okay?